अस्सलामुअलैकुम, ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से लाइव हैं हम सोशल मीडिया सेक्शन पर। हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ नईम साहब एंड तैयब हैं, जिसमें जो कि आपको बताएंगे न्यू वीक में न्यू तहकीक मार्केट सिचुएशन, और जानते हैं तैयब से कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। जी तैयब जी, आज हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जो है मार्केट काफी डल रही और 100 इंडेक्स जो है वो 33 पॉइंट कमी के साथ 41,030 की सतह पर बंद हुआ, और जो वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए आज ओवरऑल वो 75 मिलियन के आज रहे। आज वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो नुमाया शेयर्स थे उनके अंदर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है वो 5.5 मिलियन के साथ टॉप शेयर में रहे। इसके साथ जो है कराची इलेक्ट्रिक 4.7 मिलियन के साथ, सर्दन गैस जो है वो 4.6 मिलियन के साथ, टीआरजी पाकिस्तान जो है 4.2 मिलियन के साथ, और पाक इलेक्ट्रॉन जो है 4 मिलियन के साथ नुमाया शेयर्स हैं। जी एंड नेम सर, हमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ बताइएगा कि कमिंग वीक में या इस वीक में आप बैंकिंग सेक्टर को कैसा देख रहे हैं। हाँ जी, बैंकिंग सेक्टर पे हमारा काफी फोकस रहा पिछले काफी महीनों से, जहाँ पर जो सेक्टर है वो बेसिकली इस वक्त इंतजार में है कि डिस्काउंट रेट कब अप हो और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें मजीद तेजी आए। ओवरऑल जो डिपॉजिट है वो तो काफ़ी जो रेशियो कम नज़र आ रही है, जहां पर जो मेन जिसका बेनिफिट होगा बैंकिंग सेक्टर वो को वो इंटरेस्ट रेट का जैकअप करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जबकि बैंकिंग सेक्टर पर इस वक्त जो व्यू जो है वो थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। ये वीकली बेसिस पर एक या दो वीक की जो बेसिस पर इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त फिजिबल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। जी नहीं सर, मार्केट कब तक बेहतर हो सकती है और जी मार्केट ओवरऑल हमने देखा कि काफी सारे सेक्टर जो हैं इस वक्त काफी डिक्लाइन का शिकार हैं, जहां पर और द सेम टाइम बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो अब इस ट्रेंड को पक कर रहे हैं, जहां पर ईएनपी सेक्टर सरफिरिस्त है, जहां पर सब जो तीनों स्टॉक्स हैं ईएनपी सेक्टर के उन्होंने अपना पिछले 52 वीक्स का हाई विटनेस किया, जिसमें पाकिस्तान ऑयलफील्ड ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम सरफिरिस्त हैं। जी एंड नेम सर, मून पूछ रहे हैं, मून ट्रेडर से क्वेश्चन है कि प्लीज जीएचएनएल एंड पीआईपीटीएल के बारे में अपने व्यूज शेयर कीजिए। जीएचएनएल अपना बड़ा डाइवर्जेंट है उस अपने जो जी एच एन आई से, लिहाजा इस वक्त टेक्निकली 150 के इर्द गिर्द सपोर्ट को बनाए हुए हैं, जबकि पीआईपीटीएल का जो पिछला सपोर्ट लेवल था 19 रुपए का उसको ब्रीच करने के बाद स्टॉक फिलहाल अभी तक कोई खतरे का अगली सपोर्ट को नहीं बना पाया, तो आप मजीद इंतजार की जरूरत है पीआईपीटीएल के हवाले से। जी स्टॉक जो है वो उनके रेट से काफी डाउन आ चुका है। बेसिकली जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो जब भी कोई सरमायाकारी करें कोई शेयर बाय करें तो उससे पहले उनका जो टारगेट है एग्जिट का सेल करने का वो तय होना चाहिए कि अगर वो एक शेयर एक पार्टिकुलर प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो उसकी क्या रीजन है और वो उसको किस लेवल तक उसको सेल करेंगे, तो एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मोहम्मद नदीम साहब वालेकुम सलाम, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। और नेम सर एफएफसी के बारे में बताइएगा मोहम्मद नदीम को। जी एफएफसी मिड टू लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम के लिए काफी सूटेबल स्टॉक है, जबकि बहुत शॉर्ट टर्म में इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो काफी नैरो नजर आ रही है। जी
जी लकी सीमेंट आज हमने देखा कि जुलाई टू अक्टूबर के जो डिस्पैचेस फिगर्स हैं वो काफी हौसला अफजा थे, जहां पर 19% से ज्यादा का डिस्पैचिंग का डिस्पैच की फिगर रिलीज किए ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने, लिहाजा उसका कोई खातर का फायदा देखने में नहीं मिला सीमेंट सेक्टर को। टेक्निकली लकी सीमेंट इस वक्त 480 रुपए के करीब एक स्पोर्ट लेवल को बनाए हुए हैं। तो ये जहांगीर अब्बास इज अ न्यू इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो इनके लिए कोई सजेस्ट कर दीजिए शेयर्स के इन्हें एंट्री लेवल पर कौन से शेयर्स लेने चाहिए? जी इसमें दो तीन चीजें हैं स्टार्ट पे, एक तो मार्केट जो जिस तरह बिहेव कर रही है इनको एनालाइज करना चाहिए और डेली की मार्केट की एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए जो 100 इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हैं जिनका पे आउट अच्छा है अभी करंटली जो उसका इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग है, तो उसके ऊपर जो 100 इंडेक्स के अच्छे पे आउट शेयर हैं वो ही सूदमंद साबित हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, OGDC है, PSO है, UBL बैंक है, हबीब बैंक है, इस तरह के शेयर्स जो स्मॉल स्टॉक्स हैं उसके अंदर काफ़ी पैनिक देखने को मिलता है। सो इस तरह की मार्केट कंडीशन के अंदर आपको अच्छे और पे आउट देने वाले शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी एंड मुस्तफा शिवानी पूछ रही हैं पेल एंड TRG में क्या लगता है आपको? जी पेल का जो एक करंट सपोर्ट है 54 से 55 के ऊपर ये सपोर्ट लेता है रेट, तो आप इस पे इसको बाय कीजिए, और इसकी जो करंट रेजिस्टेंस है ये 59-60 के ऊपर है। जी एंड ISL TRG भी उन्होंने पूछा TRG जो है उसकी जो करंट सपोर्ट है 31-32 रुपए के ऊपर इसे बाय कीजिए, और 35-36 रुपए के ऊपर एक शॉर्ट रेजिस्टेंस मौजूद है इसकी। जी और इंटरनेशनल स्टील जो है वो उसका जो करंट सपोर्ट है 104-105 रुपए का है, आप इस रेट पे बाय कर सकते हैं। जी ठीक है भैया। और फहद हमजा वालेकुम सलाम इंटरव्यू नासिर बेग AKBL बाइंग प्राइस पूछे हैं। जी अस्करी बैंक जो है ये 18-18.5 रुपए की एक अच्छी सपोर्ट रखते हैं, आप इस रेट पे से बाय कर सकते हैं। एंड ATRL बाय एंड सेल टारगेट? जी अटक रिफाइनरी जो है उसमें एक करंट रिसेंटली एक रैली देखने को मिल रही है, सो उसकी एक सपोर्ट 330 रुपए के ऊपर मौजूद है, इस रेट पे आपको बाय करना चाहिए, उसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये 355-360 रुपए के ऊपर है। जी एंड GGL का फ्यूचर बताइएगा। GGL हमने देखा है कि एक काफी उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 28-30 रुपए की, लेकिन उसने मार्केट बिहेवियर के साथ साथ डिक्लाइन का शिकार हुआ और अब तक जो है अपनी करंट सपोर्ट जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना सका। सो उसका जो करंट लेवल नजर आ रहा है ये 16-17 रुपए के ऊपर एक शॉर्ट सपोर्ट मौजूद है, सो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 16 की सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें भी वेट करें। FBL प्लस लोड्स के व्यू बताइए। FBL जी FFBL जो है ये आप बाय कर सकते हैं 31-32 रुपए की सपोर्ट के साथ, और इसका जो करंट रेजिस्टेंस है ये 34-35 रुपए के ऊपर मौजूद है। और लोड्स? जी लोड्स जो है जो 32-33 रुपए के ऊपर इसकी सपोर्ट है, आप इसे इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, और 36-37 रुपए का इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा। जी ठीक है। तो फहद हमजा पूछ रहे हैं PNSC एंड डॉल, इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? जी PNSC आप होल्ड करके रखिए, और इसका जो करंट टारगेट है वो 135 है, 135 रुपए के ऊपर आप इसको सेल कीजिए। PSO बाय एंड सेल टारगेट? PSO जो है वो अभी करंट उसके अंदर हमने एक रैली देखी अभी तक, तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, 350 से ऊपर आप इसको सेल कीजिए, और जो करंट इसकी फ्रेश बाइंग है वो 335-340 रुपए के ऊपर है। जी और इन्होंने ना ये डॉल को 15 पर बाय किया हुआ है, तो करंट वीक में इसके लिए मार्केट कैसी रहेगी, इसके लिए होल्ड रखें या सेल करें क्या? जी डॉल जो है अभी अपनी 12-12.5 रुपए के ऊपर जो है एक सपोर्ट को कंफर्म किए हुए है, सो अगर थोड़े से लंबे व्यू के साथ इसे रखना चाह रहे हैं तो इसको होल्ड कीजिए। ओके भैया।
और कंफर्म अबाउट प्राइस रेंज एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर साकिब रजाज। जी सर, जो है इसकी जो करंट सपोर्ट है ये 300 से लेकर 310 रुपए के ऊपर है। यहाँ पे इसको आप बाय कीजिए और इसकी जो रेजिस्टेंस है करंट ये 330 से 340 रुपए के ऊपर है। जी नहीं सर, इरफान सोमरो पूछ रहे हैं इस कैप को स्ट्रॉन्ग आफ्टर 17% इन्वेस्टमेंट इन हेपको एंड इट्स टारगेट प्राइस इन लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल, कैप को इस वक्त काफी अट्रैक्टिव है। अगर आपका व्यू जो है वो मिड टू लॉन्ग टर्म में है तो स्टॉक को बाय करना चाहिए और हब पावर भी काफी अट्रैक्टिव है। जी सर, क्या होल्ड रखा जाए? जी बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ठीक है सर। एंड सर एएनएल के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? एएनएल का जो लास्ट हमारा टारगेट था 15 रुपए प्लस का, वो तकरीबन बहुत कामयाबी के साथ उसने अचीव किया। जहाँ पर स्टॉक जो है वो अभी कोई खातर का सपोर्ट हासिल करने के बाद सपोर्ट को हासिल नहीं कर पाया है तो फिलहाल नई सरमायाकारी से इज्तनाब करना चाहिए। जी नवीद सर, नवीद रहमान हैं, DSIL के बारे में पूछ रहे हैं। DSIL स्टॉक जो है वो इस वक्त बाय रिकमेंडेशंस में नहीं है, काफी लो वैल्यू स्टॉक है जहाँ पर लिक्विडिटी का काफी प्रॉब्लम रहा है स्टॉक को। जी नहीं सर, व्हाट अबाउट इत्तेफाक? हाँ जी, इत्तेफाक में भी फिलहाल इंतजार की गुंजाइश मौजूद है। एंड LPL टारगेट प्राइस बाइंग प्राइस इज 21। जी LPL की जो बहुत कम दुरानिये की टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 22 से 22.5 रुपए के करीब है। जी एंड सर, पावर सीमेंट कब तक अप जाएगा और इसमें वेट करना चाहिए या कि सेल कर दें? जी पावर सीमेंट जो है वो जो अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम था उससे ज्यादा टाइम उसको चाहिए। जहाँ पर सीमेंट सेक्टर पर हमारा स्ट्रेंथ स्टिल सेल ऑफ स्ट्रेंथ है। जी सर, और GATM के बारे में बताइए। गोलम टेक्सटाइल का इस वक्त का कोई 31-32 का सपोर्ट लेवल है जहां पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है 31 रुपए के स्टॉप लॉस, जबकि 43 रुपीस का इब्तदाई टारगेट। जी सर, एंड अब्दुल गफूर एंड अमार जमील है JVDC टारगेट प्राइस एंड सिल्क के बारे में आपके व्यूज जानना चाह रहे। JVDC का इस वक्त का जो इब्तदाई रेजिस्टेंस या प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है वो तकरीबन 43 रुपीस है। जी और सेकंड सर सिल्क था? जी सिल्क इस वक्त बाय के लिए रिकमेंडेशन है, काफी लो कैटेगरी का स्टॉक है जहां पर उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम है। थैंक यू नेम सर। एंड तैयब, आपके बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अभी हम आंसर नहीं कर पाए हैं, जैसे ही वीडियो ऑफ होती है तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे देंगे। और मजीद क्यूरीज के लिए आप हमें लाइव चैट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्केट सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बोथ फैक्टर्स फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल रिसर्च बोथ को आप ज़रूर मद्देनजर रखें और इनको रिसर्च करें, देन ही आप एक अच्छी यील्ड को गेट कर सकते हैं, अच्छा पे आउट ले सकते हैं। हर सेक्टर में ऐसे शेयर्स मौजूद हैं जो आपको अभी भी इस मार्केट सिचुएशन में भी आपको अच्छी यील्ड, अच्छा पे आउट, अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल 4:30 पर आएंगे आपके